आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रमुख पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान को शुरू कर दिया है। इस बीच पूर्व वन मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने प्रदेश आदिवासी मुख्यमंत्री की राग छेड़ दी है। पूर्व मंत्री सिंघार ने कहा कि सरकार आने पर कांतिलाल भूरिया मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं अपनी अब बात नहीं कर रहा हूं, मैं समाज की बात कर रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बने। देखिए आपको जानकारी दे दें, धार जिले के बदनावर कोटेश्वर के बोरदा विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित साप्ताहिक महोत्सव के तहत जननायक टाटिया मामा की मूर्ति का अनावरण अवसर पर पूर्व वन मंत्री उमंग सिंघार पहुंचे। इस दौरान बाइक रैली निकाली गई। अनावरण के बाद सभा को संबोधित करते हुए पूर्व वन मंत्री सिंघार ने ये बातें कही हैं।